नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है लाहौर वर्सेस दिल्ली, विच सिटी इज मोस्ट डेवलप्ड, पाक पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। अच्छा जी, लाहौर का मतलब लाहौर तो कैपिटल भी नहीं है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद है और इंडिया की कैपिटल से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा नाइंसाफी है। कैपिटल को कैपिटल से कंपेयर करना चाहिए, लाहौर को लाहौर का कंपैरिजन दिल्ली से नहीं बनता है जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा। कमेंट में आप लोग बताइए भाई। चलिए फिर भी देखते हैं वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ गाइस, उनको दो कंट्रीज़ की वीडियो दिखाऊंगा, अलग अलग कंट्रीज़ हैं गाइस, अलग अलग कंट्रीज़ की वीडियो दिखाऊंगा। मैं कहूँगा भाई पहचानो इन दोनों में से कंट्री आपकी कौन सी है और दूसरे मुल्क की कौन सी है। गाइस बताता चलूँ कि दूसरी कंट्री कौन सी है, एक पाकिस्तान का लाहौर, दूसरी इंडिया की दिल्ली। दोनों वीडियोस, दोनों मुल्कों की वीडियोस को दिखाऊंगा पाकिस्तानी पब्लिक को और कहूंगा कंपैरिजन करो, और कंपैरिजन करने के बाद पूछूंगा कि इनमें से डेवलप ज़्यादा कंट्री कौन सी है, हमारी कंट्री है या फिर इंडिया की कंट्री है, कौन सी ज़्यादा डेवलप है। इनका सवाल के जवाब लेने के बाद मैं पूछूंगा कि इंडिया की अगर डेवलपमेंट है तो क्यों है, अगर पाकिस्तान की नहीं है तो कैसे नहीं है। इन सब सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। नाम आपका? मैं फ्रूट की रेड़ी लगाता हूँ। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो वीडियो देख के बताइएगा कि ये कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, प्ले करें वीडियो। जी क्या लग रहा है मेरे जेल में? तो सर जो आ रहा है मेरे ख्याल में दुबई है। ये दुबई है? बादशाह मस्जिद दुबई में? हाँ, बादशाह मस्जिद अभी आई ना, मैंने अभी देखी है। ये पाकिस्तान है, लाहौर है जनाब। लाहौर है जी। अभी मैं आपको एक और दिखाने लगा हूँ, वो बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको, कौन सा कौन सा सिटी है, कौन सा कंट्री है। तो ये देख के बताइए मुझे। ये बताइए ये क्या है? मुझे आप थोड़ा सा देखने देंगे? जी जी देखते हैं। क्या लग रहा है ये इंडिया? आपको किसने कहा कंफर्म है इंडिया? इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? इंडिया या तुर्की है, दोनों में। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं भाई। आपने इनके कान में कुछ कहा था? नहीं नहीं, मैंने कुछ टिप दी थी इन्होंने। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था अमेरिका। अच्छा। हाँ। कौन सा मुल्क? कनाडा। क्या कनाडा? वो हिंट दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं पता। कनाडा। फिर से सोच ले। कनाडा जी, अंग्रेज नजर आ गए। अंग्रेज नजर आ गए कनाडा? कंफर्म है? कंफर्म जी। लॉक कर दें इसे? बिल्कुल लॉक कर दें। आखिरी फैसला? आखिरी फैसला। सोच ले कनाडा, इतना कनाडा में मतलब इतने बसें थोड़ी चलती हैं। बिल्कुल जी कनाडा जी। फिर से देख ले आप, फिर से देख ले। ये ना कहिएगा कि दिखाया नहीं सही। वो सिख बिरादरान जा रहे थे ना सर? सिख तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में, इंडिया में भी है, लेकिन ये जो इमारतें वगैरह ये कनाडा की हैं। फिर देख ले, लॉक कर दे कनाडा बस। मैं अगर ये कनाडा नहीं है फिर? मैं नहीं मानता हूँ। कनाडा किस हिसाब से कह रहे हैं आप? ये है, ये हमारी जो सोच है वो कनाडा। क्या ये लाहौर से ज्यादा डेवलप है? तरक्की याफ्ता लाहौर से ज्यादा तरक्की की? जी जी। अच्छा, पाकिस्तान पूरे से ज्यादा तरक्की याफ्ता? पाकिस्तान से तो ज्यादा तरक्की है उसमें सर। ये इंडिया था ये वाला? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो सर बंदे को सही फंसाते हैं। सर ये इंडिया था? आपको लगता है कि जिस तरह हमारी मीडिया बताती है कि इंडिया गरीब मुल्क है, इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर तो रेलवे निज़ाम, यहाँ पर तो बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी नहीं। वो इधर उधर जो रियासतें हैं ना वो बहुत गरीब हैं, इंतहाई गरीब हैं, यानी दुनिया की पाँचवीं बड़ी मैशत नहीं। वो ठीक है, लेकिन जो इंडिया में ऐसे ऐसे सिटी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ चावल उबाल के लोग खाते हैं।
गुरबत तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी हालात खराब है, ले हर मुल्क के अंदर अगर ये इतने हालात हो, अमेरिका के अंदर भी कुछ तबका ऐसा है जो आपको पता नहीं आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से ना फ्री में राशन मिल रहा है घर के हर परिवार के हर सदस्य को, हर मेंबर को फ्री में राशन मिल रहा है। और ये भी बात है कि गरीबी है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक गरीबी है, हमने बहुत गरीबी पर काबू भी पाया भाई, आपकी तरह गरीब नहीं है हम। हमारे देश ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है और हम गरीबी को हटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए जैसा कि ये बात बता रहे हैं, अमेरिका में भी गरीबी है, अमेरिका सुपर पावर है वहां भी गरीबी है, जापान डेवलप कंट्री है वहां भी गरीबी है, चीन डेवलप कंट्री है वहां भी गरीबी है, गरीबी हर जगह है। तो जो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, जिसने कुछ किया ही नहीं, बढ़ा ही नहीं आप आगे, तो गरीबी तो रहेगी। और गरीबी एक सच है, वो हर देश में रहेगी, चाहे आप कितना भी डेवलप कर जाएं, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोग उसमें गरीब रहेंगे ही नहीं। लेकिन बहादुरी इसमें है कि गरीबी को हटाने के लिए कितना काम किया गया, आपके यहां काम नहीं किया गया, हमारे यहां काम किया जा रहा है। और यूएन की रिपोर्ट कहती है कि हमने 415 मिलियन लोगों को पिछले 15 साल में गरीबी से निकाल दिया है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से नीचे लेकर आ गए हैं। और आपके इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी पाकिस्तान में गरीबी बढ़ गई है, 75% लोग पाकिस्तान के गरीब हैं। सुनिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है, उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से, पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं, तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। सुन लिया आपने, अब आप नहीं मानेंगे तो उसमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो ऊपर वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप बात नहीं मानेंगे तो। मुझे नहीं मानना जी, आप कुछ भी सबूत लेकर आओ, क्या फर्क पड़ता है फिर, क्योंकि गुर्बत की लकीर के नीचे है सर, हर मुल्क के अंदर है। लेकिन मैं बताता चलूं, वो पुराना टाइम था जो टाइम आप बता रहे हैं, अभी का टाइम मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गया हुआ, इंडिया दुनिया की ग्लोबल विलेज बन गया हुआ, इंडिया के ऊपर सारी दुनिया डिपेंड कर रही है, बताता चलो इंडिया दुनिया का एक्सपोर्टर बन चुका हुआ, हम बहुत पीछे रह गए इंडिया से। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है इंडिया से हम बेहतर हैं। किस तरह से? गुर्बत के लिहाज से। आप क्या समझते हैं? इंडिया से बेहतर हम, बहुत 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 बेहतर हम, बहुत बेहतर हम इंशाल्लाह। मुझे अपने घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं अपनी मर्जी से, इतनी उधर चबले बज रही है, वही तो पाकिस्तान में तो नहीं है। बिल्कुल, हम ये अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान इंडिया से बहुत। ये वीडियो आपने देखकर ये क्यों कहा कि ये कनाडा? नहीं, वो उसकी बिल्डिंग है, वो देखी ना बिल्डिंग है, तो फिर तरक्की आप तरक्की तो कर ली है ना, ये बिल्डिंग है लोगों ने आके बनाई है, इन्वेस्ट किया है बाहर। मानते क्यों नहीं है वो तरक्की कर गया? नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम तो अपने मुल्क को मानते। लेकिन एक फैक्ट है सर, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, वो हमसे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा तरक्की कर गया। अब मैं पढ़ी लिखी बात करूंगा आपसे, हमारा फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन भी नहीं है, उनका फॉरेन जो रिजर्व है वो 750 बिलियन डॉलर है, इतना ज्यादा फर्क। लेकिन उनको यहूदी ज्यादा सपोर्ट करते, हमें मुसलमान नहीं करते इतनी। सही होगा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुद काम नहीं करेंगे साला, मानेंगे नहीं यहूदियों, तो मानो ना कि यहूदी ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, मानो ना कि हिंदू आपसे बेहतर हैं, नहीं वहां भी नहीं मानेंगे बॉस, तो फिर लगे रहो आटे की लाइन में सर, खाओ 1500 रुपए बोरी आटा, मत मानो, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में जमीन में सर घुसा लो और बोलो कि नहीं नहीं कोई खतरा नहीं है, मैं बड़ा मस्त हूं, असी चंगा है, खा पी रहा है, क्या टिक। इसलिए दुनिया हंसती है। किस नाम से आपका चैनल है? YouTube पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं, एक सिटी की वीडियो, वो देखिएगा, देख के बताइएगा कि कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है, और उसके बाद आपको मैं अपनी कंट्री भी पाकिस्तान भी दिखाऊंगा, और बताइएगा कि क्या इन दोनों मुल्कों का कंपैरिजन हो सकता है आपस में या नहीं हो सकता, ठीक है?
ये देखें, क्या लग रहा है? इंडिया इंडिया हाँ, इंडिया इतने डेवलप है तो फिर कौन सा है? तुर्की तुर्की लग रहा है, तुर्की जो यूरोप ही होगा। यूरोप है? नहीं यार, समझ नहीं लग रही उसकी। देखे ना, देखेंगे तो नहीं समझ आई? नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं समझ आई। नहीं आई नहीं, नहीं मैं आउट ऑफ कंट्री थोड़ी गया हूँ। अच्छा, तो ये देखने में क्या लग रहा है भाई? सॉरी नहीं समझ लग रही। एक और दिखाता हूँ वीडियो, चले वो इजी हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, वो जरा डिफिकल्ट नहीं होगा, वो इजी हो जाएगा। आप तो कंफ्यूज हो गए यार। ये बताएं कौन सी जगह? एक मिनट मैं फोन सुन लूँ। वो बात तो सुनिएगा पहले, ये ऑन द कैमरे हैं आप। ये भाई मुझे नहीं समझ लग रही, ये कौन सा मुल्क है? यस या नो सिर्फ बता दें, सिर्फ नाम बता दें भाई। नहीं समझ लग रही। अबे गौर से देखो यार, कोई समझ नहीं लग रही। अबे देखो यार, रुको अभी बताओ। लाहौर? ये लाहौर पहचान लिया, लेकिन आपने इंडिया नहीं पहचाना क्या? नहीं, पहले मैंने आपको इंडिया बोला, लेकिन आपने कहा नहीं है इंडिया। नहीं आपने तो आपने मेरा काम कंफ्यूज करना। आप क्या इंडिया वाकई में इतना डेवलप है? हो देखते जाएंगे, यहाँ नहीं हूँ लेकिन हो सकता होगा इतना, क्योंकि काफ़ी उनके मैंने वीडियो देखी हैं, काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने की हुई है इंडिया ने। हाँ इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट की हुई है, उन्होंने भी ऑरेंज ट्रेन बना दी है, बसें बसें उनके भी चल रही हैं। हमारे यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन 2018 में आई है आई थिंक सो, और उनके यहाँ पर 2002 में आ गई थी। हाँ काफ़ी देखें, वो पहले उन्होंने लॉन्च की है। क्या हमारे लाहौर से ज़्यादा डेवलप है? नहीं मतलब महंगाई है, गुरबत भी है इंडिया में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा उनके वीडियो में, उनकी सड़कें, उनके मतलब बसें या जो ट्रेन जो उनकी चलती है वो हमसे पहले वहाँ पे मौजूद थी। जो चाइना ने ट्रेन ये बनाई है हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में जो चल रही है, वो वहाँ से 3-4-5 साल पहले इंडिया में चल रही थी। अच्छा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो डेवलपमेंट है उनकी। यहाँ पर हमारे लोग मानते क्यों नहीं है कि वो तरक्की याफ्ता हो गया, ज़्यादा तरक्की कर ली उन्होंने? वो असल में मसला ये दुश्मन है ना हमारा, हमने बनाया हुआ है। हाँ दुश्मन हमने बनाया हुआ है, इंडिया हमारा दुश्मन है हम कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी करेंसी भी ठीक है, हमसे बेहतर है, ठीक है। पांचवी बड़ी मईशत है, और आबादी के लिहाज से आप देखें कि मोदी उसकी बड़ी हिम्मत है कि उसने इतनी आवाम को संभाला हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं, हमें देखें कि हमारा ये छोटा सा एक रकबा है मकबूजा कश्मीर, ठीक है, हम उसको नहीं संभाल सकते। हमारे आए दिन पाकिस्तान में हड़तालें, जलसे जुलूस, ये पंगे पुंगे हो रहते हैं, तो हमारे मुल्क ने क्या तरक्की करनी है? एक दुख नहीं होता देखते कि पड़ोसी तरक्की याफ्ता हो गया? दुनिया आज इंडिया को पूछ रही है, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा, क्या वजह? उसकी वजह लोग में जो है ना ये करप्शन बहुत है, सबसे मेन जो है ना करप्शन का मामला। अब IMF से ये पैसे लेते हैं, 3-4 महीने के अंदर ये खा जाते हैं, ठीक है, फिर उधर से पैसे लेने चले जाते हैं, वो अब इनको पैसे नहीं दे रहे, और आए दिन हमारे मुल्क में हड़तालें जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसकी वजह से ना ये मेन जो मसला वो यही है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। क्या से क्या समझते हैं आपके जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, अगर हम उनके उसके साथ लेन देन कर लेते हैं, उनसे हाथ मिला लेते हैं, अमन की बात कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम भी तरक्की की तरफ चले जाएंगे? देखें जी, हम कुछ ऐसी बातें होती हैं कौमी सलामती की जिसमें हम उनसे हाथ नहीं मिला सकते, उनसे कौन सी सलामती, कौन सी ऐसी मसले हैं बताएं जरा, मैं थोड़ा बहुत शायद मुझे पता हो, मैं आपकी गाइड कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, 2000 ये मुझे याद नहीं, मुशरफ की हुकूमत थी या उसके बाद जो जरदारी की हुकूमत थी, चाइना ने हमें बोला था कि पाकिस्तान को हम आपको बिजली बिल्कुल फ्री देंगे, पूरे पाकिस्तान में हर घर में बिजली फ्री होगी,
सिर्फ आपने 200 या 300 रुपये हमें देना है। तो अब ये देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात है कि हमें चाइना फ्री बिजली दे रहा है। हमारे चाइना तो फ्री में बुखार ना दे और आप बिजली की बात कर रहे हैं। कैसे सोच भी लेते हैं आप लोग कि चाइना कोई चीज आपको फ्री में दे देगा। कमाल करते हैं ना आप लोग। और कैसे आप लोग यकीन कर लेते हैं यार इन बातों पर। बेसिर पैर की बातें होती है, इनको यकीन कैसे कर लेते हैं यार। बड़ी हैरानी होती है यार मुझे। मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो गई है, लेकिन इसके पीछे भी तो देखें कोई ना कोई लॉजिक हो सकती है। हमारी आर्मी बैठी हुई है, हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि नहीं हमें बिजली नहीं चाहिए। ये कसूर तो हमारी आर्मी का, हमारा कसूर है ना। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह यह है। अब देखें इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो मुल्क हमारे आ जाएगा, बिजली दे देगा, ठीक है, हर घर को 230 जो जैसे सुई गैस का बिल आता है। लेकिन मसला ये है कि वो फिर यहाँ आपको बंद कर देते हैं पूरे मुल्क की बिजली, फिर आप। तो आप लोगों को पता नहीं है क्या कि आपकी जो पावर कंपनीज हैं वहाँ पर सब चाइनीज कंपनियों का कब्जा है। आप लोगों को जरा भी अकल नहीं है। अभी बीच में जब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, आप लोग पैसे नहीं दे रहे थे, तो चाइनीज कंपनियों ने ही कहा, जो भी कंपनियां आपके यहाँ चाइनीज कंपनियां हैं वो, कि पैसे भरो वरना बिजली काट रहे हो। बिजली काट दी उन्होंने। पावर सेक्टर चाइनीजों के हाथ में है और आपको पता ही नहीं है। वाह रे मेरे पाकिस्तानी वाह। क्या करेंगे एक फैक्ट बताता हूँ आपको। आपको पता अमेरिका, कनाडा और जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं, यहाँ पर इतनी सिमों की जितनी सिम सेल करती है ना, जितनी हमारे कंपनियाँ, तकरीबन 5 कंपनी पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, इतनी कंपनी इससे कहीं गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियाँ बाहरी कंट्री में चल रही हैं। वहाँ पर पाकिस्तान से गुना 10 गुना ज़्यादा सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा सस्ती होगी। वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। सबसे पहले जो है ना, किसी मुल्क की इकानमी होती है, इकानमी उस वक्त सही होती है जब आपके मुल्क के सियासी हालात, सियासतदान ठीक हों। अब यहाँ पे लड़ाई झगड़े आए दिन, आपको पता अभी तक वो रोड बंद किया हुआ है इमरान खान वाला, आपको पता है ना। ये जब जलसे जुलूस हड़तालें ये चीज़ें रहनी हैं, इनके खिलाफ ये ठीक नहीं होगी। उस वक्त तो हमारे मुल्क नहीं ठीक हो सकता, हमारे मुल्क इकानमी बिजनेस कारोबार ठीक नहीं हो सकता। अब कराची को आपको पता है 1992 में कितने हालात खराब थे। MQM वहाँ पर थी, लोगों को अगवा करना, बोरी बंद लाशें मिलती थी, सब सुबह 4 बजे 5 बजे सड़क किनारे लोग पड़े होते थे, रेंजर वाले उठाते थे। कितना बुरा हाल था रेंजर का। उधर लोगों रेंजर लोगों को पकड़ मार, लोगों को एरिया बने हुए थे, बैरियर लगे के थे, ऊपर लिखा होता था कि यहाँ पुलिस का रेंजर वालों का जाना मना है इस गली में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर उनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ जो बदमाश थे, जो इस तरह पार्टी थी, जो वहाँ पर कान टूटे थे मैं उसको कहता हूँ, उनके खिलाफ फिर आर्मी ने रेंजर ऑपरेशन किया। अब देखें बलोच वहाँ पे, आप पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, कराची के हालात माशाल्लाह लाहौर से भी अच्छे हैं। वहाँ पे कोई भी कारोबारी बंदा ये नहीं कह सकता जी मुझे पर्ची मिली है, वो कहते बता दें। तो हमारी ये कराची नहीं, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में इस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। जब ये ठीक होगा, जलसे जुलूस ख़त्म होंगे, हड़तालें ख़त्म होगी, हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली, जैसे ये बिल्डिंगें हैं 10 गुना ऊपर बिल्डिंग बनेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच अन्ना चटोके जी। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। और मैं सच बताऊं, दिल्ली का कोई कंपैरिजन नहीं है। दिल्ली के बराबर का शहर पाकिस्तान में एक भी नहीं है और न रहा है। जब एक बात सोचिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे तब भी कैपिटल दिल्ली थी। वो छोड़िए, हजारों साल पहले जब महाभारत की किताब आप पढ़ेंगे तो हजारों साल पहले तब भी दिल्ली कैपिटल थी, हस्तिनापुर। दिल्ली का पुराना नाम है हस्तिनापुर महाभारत में। तो कहां कंपैरिजन करेंगे। दिल्ली के इंफ्रा पूरे पाकिस्तान में आपका कहीं नहीं है। और याद आया, ये चीज पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जी भारत से आगे जाना है, दिल्ली को पीछे करना है। तो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जी इस्लामाबाद को दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत राजधानी जो है वो घोषित कर दी गई है। और पाकिस्तानियों ने इस बात पर भरोसा कर लिया, मार दावे किए जाने लगे और ये होने लगा, वो होने लगा, ऐसा होने लगा, वैसा होने लगा, एकदम मतलब जश्न का माहौल। वो जैसे नंबर वन एजेंसी घोषित हुई थी ना, फर्जी नंबर वन एजेंसी, उसी तरह। और पाकिस्तानी एकदम 56 इंच का सीना फुलाकर कहते थे कि इस्लामाबाद देखो कितनी खूबसूरत है और कैपिटल सिटी है और दुनिया की दूसरी। बाद में पता चला, जब फैक्ट चेक हुआ तो बाद में पता चला कि ये तो फर्जीवाड़ा था। पाकिस्तानियों को कान में डाल दी गई बात और पाकिस्तानियों ने एकदम चीखना चिल्लाना चिंगाड़ना शुरू कर दिया।
और खबर गलत निकली, घंटा इस्लामाबाद दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत सिटी नहीं थी, ना है। और आप दिल्ली का मुकाबला करोगे, दिल्ली का मुकाबला करोगे इंफ्रा से, यहां पे फ्लाईओवर्स, यहां की सड़कें, यहां की इमारतें, यहां का मेट्रो सिस्टम, यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपसे लाहौर से ना कम से कम 100 साल आगे है दिल्ली, 100 ईयर्स। आपके यहां तो चाइना ने बनाया ना वो मेट्रो जो भी है, ऑरेंज लाइन, हमारे यहां हमारी कंपनी बनाती है, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और अब तो खैर 12-15 शहरों में मेट्रो चलने लगी भाई, आपके तो एक ही ऑरेंज में, हमारे तो 12-15 शहरों में चलने लगी, और कई शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है अभी, कई शहरों में चल रहा है। अब तो दिल्ली छोड़ दो, लाहौर का तो मुझे लगता है कि आप नोएडा से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, नोएडा भी आपसे लाहौर से बहुत बेहतर है। नोएडा छोड़ो यार, और कहाँ जाऊँ, और कहाँ जाऊँ, लाहौर का कंपैरिजन किससे करूँ यार। इंडिया का हर बड़ा शहर आपके लाहौर से बेहतर है, हर बड़ा शहर। और मैं यूँ नहीं बोल रहा, आप जाके कंपेयर करो, लाहौर की GDP कितनी है, हमारे शहरों की जो बड़े शहर हैं लाहौर के लेवल वाले जो बड़े शहर हैं उनकी GDP कितनी है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कैसी हैं, वहाँ पे इंफ्रा कैसा है, कहीं बराबरी नहीं है कहीं। अब पाकिस्तानियों को नहीं मानना है, मत मानो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट है वो तो बदल नहीं जाएगा आपके कहने ना कहने से, जैसे इस्लामाबाद दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत कैपिटल सिटी है, फर्जीवाड़ा एक नंबर का। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।